नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस निरोगी भव श्रृंखला में। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार राहणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्म एक्सपर्ट हूँ, और निरोगी भव श्रृंखला में हम उन सवालों का जवाब देते हैं जो आपने पूछे हैं आपके स्वास्थ्य के संबंधी, और इन सवालों का हम जवाब देते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। इस श्रृंखला में हम आज बात करने वाले हैं आयुर्वेद काढ़े के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये कोरोना त्रासदी जो शुरू है, इसमें आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद काढ़ा लेने की सलाह सभी को दी है। तो इसका क्या महत्व है, आयुर्वेदिक काढ़ा हमें क्यों पीना चाहिए, इसी के बारे में हमें सवाल पूछा है श्री पंकज खरोसेकर इन्होंने। और इन्होंने पूछा है कि काढ़े के संबंधी और जानकारी हमें दीजिए, इसे लेने संबंधी क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, इस पर भी प्रकाश डाले। तो इसी पे हम बात करेंगे हमारे आज के एपिसोड में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आयुष मंत्रालय ने एक काढ़ा रेकमेंड किया है कोरोना की त्रासदी में सभी के लेने के लिए, जिसमें लौंग, दालचीनी, सौंठ, काली मिरी, जीरा और तुलसी, इनका अंतर्भाव किया गया है। और ये काढ़ा नियमित लेने की सलाह भी दी गई है। तो ये काढ़े का क्या महत्व है, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। काढ़ा पीने की विधि क्या है, इसे कैसे बनाना चाहिए आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से, इसे कैसे बनाना चाहिए आयुर्वेद नियमों के अनुसार, और इसे पीते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। काढ़ा, जिसे आयुर्वेद में कषाय भी कहा गया है, तो ये कषाय कल्पना जो बताई गई है, तो इसका वर्णन है कि जब रोगी को उसकी अग्नि कम होती है, उसकी पाचन क्षमता कम होती है, तो ऐसी अवस्था में जब काढ़ा दिया जाता है, तो औषधियों को पानी के साथ उबाल कर उसका सेवन करवाया जाता है। ये सेवन करवाने से औषधि में जो उसके औषधि तत्व है, वह तत्व पानी में आते हैं, और जब ये काढ़ा हम गर्म पीते हैं, तो ये गर्म काढ़ा पाचन में हल्का होता है और ये शरीर में हजम होता है, और ये औषधि की गुण पाचन तंत्र के अनुसार शरीर में जाके आपके स्वास्थ्य को सुधारने का काम करते हैं। आयुर्वेद संहिता में, काश्यप संहिता में जो कषाय है या काढ़ा है, उसका वर्णन आया है। उसे कषाय क्यों कहा गया है, या वो क्या कार्य करता है शरीर में, इसका वर्णन भी काश्यप संहिता में बताया गया है। काश्यप संहिता में वर्णन ऐसे आया है कि कंठस्य कषणात् प्रायो रोगाणां वापि कर्षणात् कषाय शब्द प्राधान्यात् सर्व रोगेषु कल्पते। इसका मतलब है कि काढ़ा या कषाय ये जो है, ये कंठ, कंठस्य मतलब कंठ या गला, कंठस्य कषणात्, इसका मतलब है कंठ में घिसकर या गले में घिसकर कार्य करता है। जब हम काढ़ा पीते हैं, तो ये काढ़ा कंठ से होकर हमारे पेट में जाता है, गले से होकर हमारे पेट में जाता है, तो ये वहां पर घर्षण का काम करता है, वहां पर शोधन या शुद्धि का काम करता है। और रोगी रोगी अपि वा कर्षणात्, इसका मतलब है कि रोगों को भी ये घिसकर शरीर से निकाल देता है। तो यही काढ़े का महत्व है। जैसे हमने बताया कि ये जो औषधियां है, पानी में उबालकर जब हम लेते हैं, तो ये शरीर में जाकर शरीर की बीमारियों को भी शरीर से निकाल देता है। इसीलिए तो सर्व रोगेषु, इसका हर रोग में या हर बीमारी में इस्तेमाल किया जाना चाहिए या किया जाता है, ऐसा वर्णन आयुर्वेद संहिता में आया है। तो ये तो बात हुई कषाय कल्पना के बारे में, या काढ़ा और उसका जो आयुर्वेद में वर्णन आया है उसके बारे में। अब समझ लेते हैं कि आयुष कषाय जो हमारे आयुष मंत्रालय ने बताया है, उसके सेवन की विधि कैसी है। जब काढ़ा जो बनाया जाता है, वो एक चतुर्थांश या एक अष्टमांश इस प्रमाण से बनाया जाता है। मतलब जब हम काढ़ा उबालते हैं, तो उसको एक चतुर्थांश यानी चार में से एक भाग पानी रहने तक उबालना, या 8 में एक भाग पानी रहने तक उबालना, या 16 में से एक भाग पानी रहने तक उबालना, ऐसी अलग अलग विधियां हैं। जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है, वो एक चतुर्थांश काढ़ा यानी 4 गुना पानी लेकर वो एक भाग रह जाए इतना उबालकर भी काढ़ा ले सकते हैं।
दूसरी इसमें जो चीज़ है कि काफ़ी लोग अभी कंप्लेंट कर रहे हैं कि जब हम काढ़ा पीते हैं तो इससे मुंह आना या पेट में गर्माहट होना, पित्त या एसिडिटी, अम्ल पित्त की शिकायत होना, ऐसे भी कुछ तकलीफें हो रही है। तो इसमें ये बात भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब हम आयुष काढ़े का निरीक्षण करेंगे तो इसमें जो काली मिरी है, जो तुलसी है, सौंठ है या जीरा है, तो ये जो सामग्रियाँ है ये सभी उष्ण वीर्य की है, या इनका जो गुण है ये उष्ण गुणों की सब सामग्रियाँ है। तो जो लोग जिनकी प्रकृति पित्त प्रकृति है, जिनको पहले से ही कोई पित्त संबंधी समस्या है, या जिन्हें कोई गर्माशय संबंधी समस्या है, खून या रक्त दृष्टि से संबंधित कोई समस्या है, तो हो सकता है कि उन लोगों को इस काढ़े के वजह से और शरीर में उष्णता पित्त दृष्टि शरीर में बढ़ जाए। तो ऐसे लोगों ने खास ख्याल रखना जरूरी है ये काढ़ा लेते वक्त। तो आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना जरूरी है, और जो उष्ण प्रकृति के लोग हैं, पित्त प्रकृति के लोग हैं, उन्होंने इसका प्रमाण कम मात्रा में लेना चाहिए, या इसे नियमित रूप से नहीं लेकर अलग-अलग दिन, जैसे हफ्ते में 3 दिन, महीने में 15 दिन, ऐसा लिया तो भी इसकी जो उष्णता है उसका आपको परिणाम कम मिलेगा। हम हमारे तरफ से तो ये रेकमेंड करते हैं कि आप 21 दिन काढ़ा लीजिए, 7 दिन वापस उसमें ब्रेक लीजिए, फिर 21 दिन लीजिए। तो इससे जो तकलीफ होने वाली है, या किसी को जिसकी प्रकृति पित्त प्रकृति है उन्हें जो तकलीफ होती है वो नहीं होगी। तो ये हुई हमारी आज की बात, जो आपने सवाल पूछा उनका जवाब। निरोगी भव श्रृंखला में हम देते हैं आपके सवालों का जवाब। इसके लिए हमारी हेल्पलाइन है 9220900900। इस पर आप हमारे को आपके सवाल भेज सकते हैं, और हमारे आने वाले एपिसोड्स में हम उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे आयुर्वेद संहिताओं से। तो इस कोरोना की त्रासदी में अगर आप काढ़ा लेते हैं तो इन बातों का जरूर ख्याल रखिए, और इस वीडियो को भी पहुंचाइए उन लोगों तक जो ये काढ़ा लेते हैं या जिनका आपको है ख्याल। तो हमारे अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखिए, निरोगी भव।